इसके साथ साथ जो अमेंडमेंट्स हुई है दूसरे एक्ट में एक तो वो भी आप बताइएगा लेकिन मैं इससे पहले चाहूँगी कि यक्षशी आप ये ज़रूर बताएं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है और इस वक्त वो अल्फ़ा जनरेशन है तो जो स्टूडेंट्स हैं उन पर भी क्या लागू होता है कि वो जब अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं और आजकल पब्लिक प्रोफाइल्स का बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं आप ट्रेंड है लेकिन जो प्राइवेट से प्राइवेट प्रोफाइल्स भी होती है उनका डाटा तो लीक नहीं होता लेकिन पूरा का पूरा अकाउंट ही हैक हो है जाता है तो ये जो सारे बच्चे बच्चे इस वक्त स्टूडेंट्स हैं उन उन पर क्या जिम्मेदारी बनती है वाइल यूजिंग सोशल मीडिया ऐप्स आप एज एन एजुकेशन इस क्या कहेंगी uh, मैं यही कहूंगी कि इसमें सेल्फ सेंसरशिप का कॉन्सेप्ट जो है ना स्टूडेंट्स को वो अडॉप्ट करना चाहिए सबसे hmm. पहले तो आप ख़ुद देखें कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं बेशक आपका अकाउंट पब्लिक है या आपने प्राइवेट अकाउंट भी रखा हुआ है अगेन वही वाली बात है कि देखें ये अगर इस तरह का कोई वाक़ा होता है या हादसा वो किसी के साथ भी हो सकता है yeah. तो इसमें खुद अवेयर होने की ज़रूरत सबसे पहले है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आपके उस डेटा को आपकी पिक्चर्स को इस्तेमाल करके कोई आपको नुकसान ना पहुँचाए उसमें जैसे कि अभी जैन साहब ने भी बताया कि टू स्टेप वेरीफ़िकेसन जैसे है वो नहीं। नहीं। बहुत फ़ायदा देती है क्योंकि मैं ख़ुद भी एक दफ़ा इसका शिकार हो चुकी हूँ मेरा अकाउंट भी एक दफ़ा हैक हुआ था लेकिन यह है कि उस टू स्टेप वेरीफ़िकेशन ने मुझे बचा लिया और उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई आपको इन्फॉमेसन या नोटिफिकेशन आती है कि आपका अकाउंट किसी ने कहीं से लॉग इन करने की कोशिश किया आप फौरी तौर तो पर अपने आप को बाकी डिवाइस से लॉग आउट कर दें उसमें आपका जो अकाउंट है वो प्रोटेक्ट भी हो सकता है और उसके अलावा यह है कि आप अगेन वही वाली बात कि अगर आप पोस्ट कर रहे हैं कुछ भी अपनी पिक्चर्स या कुछ भी आ, ऐसा फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स तो आप इस तरह की पिक्चर्स पोस्ट कीजिए जो कि अगर वायरल भी हो रही हैं रीजनेबल पब्लिक भी हो रही हैं तो कोई तो अमेंडमेंट्स के बारे में मैं चाहूँगी कि जरा रोशनी डाले थैंक यू सो मच अमेंडमेंट्स का प्लीज़ बताइएगा कि जो दो हज़ार सोलह के एक्ट में

इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जैसे अभी बताया गया कि पनिशमेंट ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी हैज बीन एनहांस्ड इसके अलावा द वर्ल्ड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट हैज बीन एक्सप्लेन्ड

तमाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड लॉस को हर एक साल के बाद अमेंड होना चाहिए टेक्नोलॉजी और लॉ की so, टेक्नोलॉजी तेजी से चेंज होती है और लॉ की रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक साल के बाद इस लॉ को रिव्यू करें। रिव्यू करें और जो दुनिया में तमाम ममालिक जो इस इसके नए कवानी बन रहे हैं उसके मुताबिक अपने कवानी को जिद्दत दीजिए आगे एक चीज पे भी एड करना चाहूंगी की आपने जब बात की थी जो सिक्स डिजिट पासवर्ड आपका यूजली आता है एयर टाइम्स आप अपने खुद से मोबाइल से दूसरी ऐप्स पे लॉग इन कर रहे होते हैं या आपको बैंक के कोड्स आते हैं तो वो तो उस वक्त आपने ऑन द स्पॉट यूज़ कर लिया तो वो एक्सपायर हो जाता है लेकिन क्या बाद में भी, भी इसकी वैल्यू होती है आपको उसको डिलीट कर देना चाहिए या वो यूज़ेबल है इन दी एंड कुछ हैकिंग में वो मदद कर सकते हैं किसी हैकर की देखिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने पासवर्ड्स को आफ्टर एवरी सिक्स मंथ्स चेंज करें

बाद में ओपन करने में आसानी हो और जब बात आती है आ, की तो जब हम देखते हैं अक्सर अकात हमारे पास सोशल मीडिया पे ऐसे एड्स आ रहे होते हैं पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान के आ, कुछ ऐसे बिजनेसिस होते हैं जो अमूमी तौर पर हमारे लॉज के मुताबिक पाकिस्तान के आ, स्टेट बैंक के मुताबिक भी वो आ, मेरा ख्याल है कोई लीगल कारोबार क्रिप्टो करेंसी की बात हो या इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी कारोबार वो दिखाते हैं कि आप इतने पैसे ले लें ले और फिर बाद में और उसमें बाद में फिर ब्लैक मेल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है उस हवाले से आप क्या गाइड कर रहे हैं देखिए एक तो ये मैं बताता चलूँ कि क्रिप्टो करेंसी को स्टेट बैंक के एक सर्कुलर के तहत पाकिस्तान में बैन है ये बेसिकली इसके बारे में थोड़ी सी अहमियत इसलिए मैं देना चाहूँगा कि बहुत सारे क्राइम ऐसे अब हो रहे हैं जो साइबर क्राइम रिलेटेड हैं जहां पे उनको लेटेस्ट डिजिटल करेंसीज के थ्रू कमिट किया जा रहा है क्योंकि वहां पे बाजुकात जो रिकॉर्ड जो होता है वो बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होता है तो वहां पे क्या किया जाता है कि जैसे अभी जो कॉलर थे उन्होंने वॉलेट का जिक्र किया कि मेरे वॉलेट में ट्रांजेक्शन हुई सो बेसिकली ही वॉज सम टॉकिंग अबाउट द क्रिप्टो करेंसी अकाउंट

स्टेट ऑफ पाकिस्तान को क्या इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए उनकी उसकी रोकथाम के लिए देखिए सबसे पहले जैसे आपने कुछ अर्सा पहले लो, फेक लोन एप्लीकेशन का सुना जी हमारे यहाँ पे होता ही है कि जो ही एक मामला आता है उसकी एक हाइप क्रिएट हो जाती है लेकिन हम फ्यूचर में उस लोगों को सिक्योर करने के लिए उसके ऊपर कोई अमली इकदाम नहीं करते नहीं। मैं ये समझता हूँ जैसे मैडम ने बहुत अच्छी बात की कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जब तक एक अवेयरनेस कंपेन नहीं चलेगी बच्चा अवेयरनेस लेके घर आता है वालदेन को अगर आप अवेयरनेस देना चाहते हैं तो आज के दौर में सबसे बेस्ट मीडियम है सोशल मीडिया टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी एक अच्छी एक मैं समझता हूं कि एक अच्छा मीडियम है जहां से आप इसको मैसेज को फैला सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे देखिए अगर आप किसी भी एक स्टेट के अंदर ये चाहते हैं कि लोगों के साथ, साथ साइबर क्राइम ना हो आपको सिर्फ एक काम करना होगा अवेयरनेस बढ़ानी होगी थीक, जिस थीक, वक्त अवेयरनेस मैक्सिमम हो जाएगी क्राइम देखिएगा क्राइम दिल्कुल। अब और ये क्राइम कहाँ पे ज्यादा है शहरों में ज्यादा है ठीक है आप अवेयरनेस की जब बात करते हैं तो वो आ, इस ये तो क्राइम इस साइबर क्राइम एक कितना वाइड सब्जेक्ट बन चुका है पूरी दुनिया में जैसे मैंने इंट्रो में भी बताया कि अब तो ना सिर्फ अफराद बल्कि स्टेट्स भी इसका शिकार होती हैं जैसे वो यूक्रेन और रशिया की वॉर में आज शायद काफ़ी लोगों को इस बात का नहीं पता कि जब वो अटैक हुआ था तो सबसे पहले रशिया ने यूक्रेन के सैटेलाइट पे अटैक साइबर अटैक किया था जिसकी वजह से पूरा एक दिन उनकी पावर शट डाउन कर दी गई थी और ना कोई इलेक्ट्रिसिटी थी ना फोन्स काम कर रहे थे ना कोई चीज़ और किसी को ये भी नहीं पता था कि इसके बाद जिसने हम पे हमला करना है उसने करना कहाँ से है कोई इन्फॉर्मेशन की एक्सेस नहीं थी किसी के पास तो इस हद हाँ तक वो अब ये भी कहते हैं कि आगे आने वाले चंद सालों में दुनिया में जहाँ पे फोर्सेस काम करती हैं वहाँ पे दो फोर्सेस ऐड होगी एक स्पेस फोर्स और एक साइबर सिक्योरिटी फोर्स ये इस हद तक अब ये जिद्दत इख्तियार कर चुका है ये क्राइम क्योंकि हर चीज़ जो है वो डिवाइस से कनेक्ट है वो इंसान जो है वो डिपेंडेंट हो right, चुका right. है मॉडर्न डिवाइसेस yes. का मुझे ये बताएं जैन जब मैं बात करती हूँ एंटी वायरस की जो एंटी वायरस या प्रोजेक्ट्स कहते हैं yeah. यूज होते सॉफ्टवेयर में can, can उस सेव करते हैं बट अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मेरे जेहन में आई चूंकिंग ऑन डिवाइस ना दिंग इज दिस जो हमारे घर में लगी वाई फाई मशीन है जो कि एक आई पी एड्रेस हमें एलोकेट करती है पब्लिक प्लेसेस पे जो वाई फाई लगा अब हमारे यहाँ पे क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो मैंने ऐसा भी देखा कि दस घरों में एक ही वाई इस्तेमाल हो रहा है जी पांच घरों में एक ही वाईफाई नेबरिंग के एरियाज में एक ही वाईफाई चल रहा है राइट और बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे भी आई जहां पे उन्होंने बताया कि भाई ये जो हमारा नाम इस केस में आया है वो है। इस वजह से आया है कि जिस शख्स का एक्चुअली हमने जिसको वाईफाई दिया होता ये सारे काम वो करता था बिल्कुल क्योंकि जो एक एविडेंस आता है इस पूरे केस के अंदर आईपी एड्रेस जो बेसिकली आप ये समझ लें इट इज जस्ट लाइक योर होम एड्रेस आपने एक वाई मशीन ली आपने उस कंपनी से ही कहा कि हम आपकी सर्विसेज लेंगे और उस कंपनी ने जब आपको वाईफाई -फै की फैसिलिटी दे दी दे प्रोवाइडेड यू एन आई पी एड्रेस अब आपने जो ही उस आईपी एड्रेस को ओपन कर दिया नहीं। नहीं। आपने उसको लॉक नहीं लगाया आपने कहा जी ठीक है मेरे नेबर्स के साथ रिलेशन अच्छे रहने चाहिए मैं इनको फ्री वाईफाई दूंगा आपने इनको फ्री वाईफाई दे दिया लेकिन एक्चुअली आपने किया क्या

दे आर इजिली ट्रेसेबल लाइक इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एवरी टच लीव्स अ ट्रेस सो जो लोग भी ये समझते हुए क्राइम करते हैं कि अगर हमने साइबर क्राइम किया क्योंकि सामने सीसीटीवी कैमरा नहीं है कि हम हमें डिटेक्ट कर लेगा कोई शख्स ऐसा नहीं होगा कि हमारे हैंड के जो फिंगर इंप्रेशन हैं उनको ले लेगा तो मैं ये सब देखने वालों को बताना चाहूंगा कि ये क्राइम दूसरे क्राइम से डिटेक्ट करना ज्यादा आसान है एस एज टू दी अदर क्राइम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो एंड कास्टिंग लाइट ऑन सच इंपॉर्टेंट इशू व्हिच इज साइबर क्राइम एंड टुडे इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक व्हेन वी टॉक अबाउट 21st सेंचुरी डिजिटलाइज्ड एरा एंड नो वन कैन डिनाई द फैक्ट कि हम सब जो है कहीं ना कहीं नाइन्टी परसेंट जो अपनी जिंदगी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर भी रहे हैं सुन रहे हैं देख रहे हैं और इस वक्त हो सकता है कि हमारी बातें गूगल सुन भी रहा हो mm -hmm. बहुत youth, बहुत शुक्रिया आपका बिंग एन एजुकेशन इज कास्टिंग लाइट रिगार्डिंग यूथ बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बिंग एन एडवोकेट हाई कोर्ट आपने बहुत प्रोसीजरल मैटर्स पर नजरसानी डाली बहुत बहुत शुक्रिया आगा आपका थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अस वकील ऑनलाइन एंड ऑन लाइन एंड बींग पार्ड शेयर एक्सपीरियर विद अस बट येस वन थिंग मोर अगर साइबर क्राइम से रिलेटेड आप किसी मसले से गुजर रहे हैं या कोई मसला आपने इर्द के देखा जो कि हल हो गए या नहीं हो रहा तो प्लीज़ वी आर हेयर इन साइटफुल डिस्कशन ऑन लीगल मैटर्स यू ऑल आर मोस्ट वेलकम यू गई कैन गिव क्यूरीज एंड फीडबैक ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो डाउन टुडे हमें दीजिए इजाजत लेकिन हम फिर से मिलेंगे कल वकील ऑनलाइन पर अल्लाह हाफिज़